हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास कोई रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई का फ़ोन है और उसको आपने फॉर्मेट कर दिया, फैक्ट्री रिसेट कर दिया या फिर अपडेट कर दिया, उसके बाद से आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नहीं चल रहा, इस तरीके का नो सिम कार्ड फाउंड का प्रॉब्लम या फिर सिम कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या एक्चुअली आ रही है। तो ओके पे क्लिक करेंगे, एकदम स्क्रैच से बताऊँगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो आप देख लेंगे। तो दोस्तों, आप सिंपली चले जाएंगे अपने जो भी पेमेंट ऐप है, जब से आपने अपने फ़ोन को अपडेट किया है फिर फॉर्मेट किया है, तब से ही आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम की प्रॉब्लम आई है। तो उसको कैसे सॉल्व करना, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गूगल पे, तो गूगल पे में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे बैंक मेरा ऑलरेडी दिखा रहा है लेकिन एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो इस पर क्लिक करते ही कुडंट फाइंड सिम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है गूगल पे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेटीएम में, ठीक है। तो पेटीएम यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा, पेटीएम पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जैसे एंटर करूँगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो दोस्तों, नंबर मैंने एंटर कर दिया, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और फोनपे में जाएंगे, आपको एग्जैक्ट रियल वीडियो यहाँ पर मिलेगी। तो सिंपली यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यूनियन बैंक का अपना बैंक ऐड कर देता हूं तो क्या दिक्कत आ रही है वो देख लीजिए। सिंगल सिम जो भी है ऑप्शन फेल टू इनिशिएट, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब कैसे सही करना वो देख लीजिए, सारा कुछ इसको कट कर दीजिए, ठीक है। कट कर दिया, फिर से मैं आपको दिखा दूं, अब क्या करना है आपको स्क्रॉल करना है इस तरीके से। आपके रेडमी के फ़ोन में एक सेटिंग होगी जो कि होगी सिक्योरिटी के नाम से, एक ऐप्स बना होगा, देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर दिया, अग्री पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अग्री पे आपने क्लिक किया, अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक आइकॉन बना हुआ है सेटिंग का, इस पे आप क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए नीचे चले जाना होगा, सिक्योरिटी स्कैन का ऑप्शन है, ठीक है, सिक्योरिटी स्कैन पे क्लिक कर देना होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा पेमेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, इसको आप कीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए, बस इतना करना है आपको और सिंपली इसको कट कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूं आपके पेटीएम का प्रोसेस पहले, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं क्या यहां पे कॉपी है, नहीं है। ओके पे क्लिक किया एंड दैट्स इट, ओटीपी जाने लगी, ठीक है। अब ओटीपी जाने लगी, उसके बाद का प्रोसेस भी देख लेंगे, सारा करके दिखाऊंगा आपको एग्जैक्ट जैसे प्रोसेस होता है उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, देख लेंगे कि ऑलरेडी एक्टिव कोई बैंक ऐड है या नहीं, तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ये वेरीफाई कर लेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो भी आपका नंबर है उससे वहाँ पर मैसेज चला जाएगा और इस तरीके से आपको दिखा देगा। तो दोस्तों ये देखिए वेरीफाई हो चुका है, आपका बैंक ऐड हो चुका है, ये इसका हो गया, सिंपली बैक कर दें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोनपे का, तो फ़ोनपे में जाएंगे, जो अब तक प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए क्या था, यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक पे हम क्लिक करेंगे, फिर से एक बार क्लिक कर दें एंड देन फिर से एक बार क्लिक कर दें, नहीं हुआ, एक बार फिर से क्लिक करके बैक कर दें। हम यूनियन बैंक पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस हम दिखाते हैं, देखिए ऑलरेडी इनिशिएट हो गया, अनेबल टू प्रोसेस, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, सेंडिंग एसएमएस, एसएमएस भेज दिया गया है ऑलरेडी, ये अकाउंट फाइंडिंग लिंक्ड हो चुका है, ये हो गया फ़ोनपे का, फ़ोनपे भी हो गया ना दोस्तों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं किस चीज़ का दिखना है, पेटीएम का। तो पेटीएम में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी हम सही कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम की बारी आती है, पेटीएम पे हम क्लिक कर देते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब गूगल पे में देखना है, गूगल पे में, ठीक है, गूगल पे में जाएंगे, प्रोफाइल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन था एक्टिवेट का, इस पर क्लिक करने के बाद एरर आ रहा था, अब देखिए एरर नहीं है,
कोई भी एरर नहीं। ये रेडमी के फ़ोन्स में ज़्यादा होता है, जब आपके फ़ोन में अपडेट आ जाता है और उसकी सिक्योरिटी के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दिया है स्वामी वालों ने, एमआई वाले ने या फिर पोको वाले ने, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिवेटिंग बैंक लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कोई भी पेमेंट ऐप आप चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों ये रहा प्रोसेस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम चला सकते हैं आफ्टर अपडेट भी। अपडेट करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।